सिद्धार्थ शुक्ला एक प्राइवेट पर्सन थे और अपने और शहनाज के रिश्ते को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट थे। कुछ दोस्तों ऐसी बातें बताई है सिद्धार्थ शुक्ला की फ्रेंड ने, जो कि कभी किसी वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिलेशनशिप में भी थी। मैं राहुल भूत स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ राहुल भूत के नाम से, तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। सिद्धार्थ शुक्ला को गए हुए दोस्तों लगभग एक महीना हो चुका है। हम लोग दिल से मिस कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला को। सिद्धार्थ शुक्ला अगर इस वक्त हमारे सामने होते, हमारे साथ होते, तो वो डेफिनेटली बिग बॉस के इस नए सीज़न में आते, और इस नए सीज़न में आकर वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, एक अलग सा गेम लेकर आते। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस जो है 2 सितंबर को हो गया दोस्तों, 2 सितंबर 2021 को। और उनके जाने के बाद मतलब टूट सी गई शहनाज। शहनाज को आजकल हम प्रमोशनल वीडियोस में देख रहे हैं, जो कि हौसला रख उनकी फिल्म को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चेहरे पे एक मायूसी है वो उनकी साफ देखी जा रही है। अब बिग बॉस सीजन 13 की एक्स कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला ने एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने बोल दी है बड़ी बात कि सिद्धार्थ एक प्राइवेट पर्सन थे, हमें उनकी प्राइवेसी को लेकर रिस्पेक्ट रखना चाहिए, उनके और शहनाज के रिश्ते को लेकर जो है हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखना चाहिए। वो ये भी बोलते हैं कि सिद्धार्थ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग व्यक्ति थे, और कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रांग इस होने के पीछे रीता आंटी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। रीता आंटी जिन्होंने कि उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो जनता के लिए इस तरीके से प्यार लुटा सकें। सो दोस्तों ये शेफाली जरीवाला का कहना है। रिसेंटली उन्होंने लाइव बातचीत करी है, और ऐसे में उन्होंने ये सारी बातें रखी हैं कि ये गम ऐसा है जिसे हम भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। दोस्तों आपका क्या है रिएक्शन, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। चलता हूँ।